बंगाल जिसने देव को दृष्टि दी है, बंगाल जहां रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव जिन्होंने विचारों से दुनिया को जीता है, जहां स्वामी विवेकानंद ने अपने विचारों से दुनिया को जीता है, जहां हमारे श्री अरबिंदो ने अपने विचारों से दुनिया को जीता है, उस बंगाल में आज ममता सरकार ने जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम चला रही है वह प्रजातंत्र के लिए अत्यंत घातक और यह स्पष्ट बताता है कि इनटॉलरेंस का नेम इज ममता, असहिष्णुता। आज हमारे 8 बच्चे हॉस्पिटल में हैं। मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उन बच्चों के साथ है, वो बंगाल के बच्चे हैं और उन बच्चों के साथ तय जिंदगी खड़े रहेंगे जिनके ऊपर ये अटैक हुआ है। आज आप मेरे बुलेट प्रूफ व्हीकल पर देख सकते हैं बाहर के विंडस्क्रीन में द इंपैक्ट ऑफ द ब्रिक। इट वॉज बिकॉज ऑफ बुलेट प्रूफ व्हीकल दैट आई वॉज सेव्ड। बट कैलाश जी की का बायां हाथ फ्रैक्चर भी हुआ और जिस तरीके से इनकी गाड़ी को आप देखिए, कोई शीशा नहीं बचा। पत्रकार हमारे साथ थे, देवस्थ जी, मुकुल रॉय जी हैं, आप देख रहे हैं इनको, कोई बचा नहीं। हमारे अनुपम हजारा जी हैं, उनकी व्हीकल्स सारी की सारी, यानी एडमिनिस्ट्रेशन हैज क्रम्बल। हमारे राहुल जी का, इनकी भी व्हीकल बची नहीं। शिव प्रकाश जी के जो सहयोगी हैं उनको बुरी तरीके से घायल हुए हैं। तो दिस इज द सिनेरियो, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन हैज क्रम्बल डाउन, देयर इज नो एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है, राजनीतिक विद्वेष के साथ काम चल रहा है। क्या हम ऐसे ही बंगाल की कल्पना करते हैं? क्या यही रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल था जहां विचारों का आदान प्रदान होता था? क्या यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बंगाल है, जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस बंगाल को विभाजित होने के साथ साथ बंगाल को बचाया, जहां पाकिस्तान ने का विभाजन करने में वो सक्षम रहे और उन्होंने जम्मू कश्मीर में भी जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया। ऐसे जहां इंटरेक्शन होते रहे, पॉलिटिकल डिस्कोर्स होते रहे, पॉलिटिकल डिबेट्स होते रहे, क्या आज इस तरीके की कल्पना ममता जी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि देयर विल बी नो डिबेट, देयर विल बी नो डिस्कशन? मैं ममता जी को बताना चाहता हूं कि हमारा एक एक कार्यकर्ता सभी कंस्टिट्यूएंसीज में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेगा, कमल खिलाएगा और विचारधारा के आदान प्रदान से लोगों का दिल जीतेगा, इसके लिए हम काम करने वाले। हम इस तरीके की घटना को कभी सहने वाले नहीं है। और इसी के साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज जब हम बात करते हैं तो हमको ध्यान में रखना चाहिए कि 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज आज के ही दिन मिला था। और नोबेल प्राइज में जो गीतांजलि लिखी थी उसमें उन्होंने कहा था कि जब सर ऊंचा रहता है और विचारों से कोई डरता नहीं है तो वह सबसे उत्तम स्थिति होती है। उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था, विच सेड वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हाई हेल्ड हाई, टुडे द हेड इज डाउन एंड पीपल ऑफ बंगाल आर फुल ऑफ फियर। यह स्थिति आज आकर के खड़ी है। आज अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स डे है। ये ह्यूमन राइट्स का जीता जागता जो तस्वीर आज बंगाल में मुझे देखने को मिली, मैं तो छात्र आंदोलन से निकल करके आया हूं, मैं तो ये सब चीजों को देखता आया, इससे हम रुकने वाले नहीं है। लेकिन दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट दी मेंटालिटी ऑफ ममता जी, उनके विचार, उनके सोच के बारे में यह बताती है, इसको भी हमको समझना चाहिए। आज जब हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं तो मुझे बताया गया कि ममता जी ने कहा कि मैं विवेकानंद के हिंदुइज्म को मानती हूं, ये उनका आज वक्तव्य है। विवेकानंद जी के हिंदुइज्म का शायद पढ़ने लिखने का शौक कम है, इसलिए जानकारियां कम है ममता जी,
शिकागो के भाषण में हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि आई एम प्राउड टू बिलोंग टू ए रिलीजन विच हैज टॉट द वर्ल्ड टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है और उनकी जो दृष्टि है दिशा है वो हम सबको मालूम है कि वो किस तरीके से सोच रही है। तो ये विषय मैं आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं, अभी मुझे बताया गया कि उन्होंने मेरे बारे में बहुत सारी संज्ञाएं दी हैं और बहुत सारे विचार दिए हैं और बहुत सारी शब्दावली दी है। ममता जी, ये आपके संस्कारों के बारे में बताता है। दिस स्पीक्स अबाउट योर कल्चर एंड दिस इज नॉट बंगाली कल्चर। वी आर प्राउड टू एडहर टू द बंगाली कल्चर। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बंगाल की सुंदर भाषा, बंगाल की सबसे अच्छी संस्कृति, बंगाल की महान संस्कृति, बंगाल सर्वाधिक मृदु भाषा है। और ममता जी प्रधानमंत्री जी के लिए भी जिस शब्दावली का प्रयोग करती है वह बताता है कि ममता जी ने बंगाल को कितने नीचे ले गई। इट स्पीक्स वॉल्यूम्स। और दुख होता है, बंगाल हम सबका है, बंगाल हमार सोनार बंगाल, बंगाल के लिए हम सब लोग गौरवान्वित होते रहे, देश गौरवान्वित करता रहा है। आजादी की लड़ाई हो या सांस्कृतिक लड़ाई हो या रिलीजियस रिवाइवलिज्म हो, कोई भी हो, उसकी शुरुआत की किसने देने का तय किया। अप्रोक्सीमेटली 70 लाख किसान बंगाल के इससे वंचित है, 70 लाख लोग वंचित हैं, उनको ये पैसा नहीं मिल रहा। और ममता जी क्या कहती है, ये सीधे हमको दो। और मोदी जी और हमारा क्या कहना है कि यह सीधे किसान के खाते में जाएगा, उसके अकाउंट में जाएगा। और ममता जी कहती है आमा के दिए दाओ, कट मानी। ये कट मनी का तरीका है जिसको हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से आयुष्मान भारत, लगभग 4,67,00,000 पीपल आर डिप्राइव ऑफ 5 लाख हेल्थ कवरेज पर ईयर पर फैमिली, 5 लाख पर ईयर पर फैमिली। एंड कितने लोग, 4,67,00,000। आज 1,31,00,000 पीपल हैव टेकन द बेनिफिट ऑल इंडिया बाय। 15,500 crores हैव बीन स्पेंट फॉर, खर्च हो चुके हैं गंभीर बीमारियों के। लेकिन बंगाल के गरीब लोग, और कौन आते हैं इसमें, रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, टैक्सी वाला, मेड सर्वेंट जो घर में काम करती है, जो घर में काम करने वाले हैं, जो चौल में काम करने वाले हैं, ऐसे गरीब लोग जो पल्लेदार हैं, जो अनाज की बोरियां उठाते हैं सब्जी मंडी में, उनके लिए बाय प्रोफेशन है, ये कास्ट से नहीं है, बाय प्रोफेशन 12,74,00,000 परिवार, 55 करोड़ पीपल को ये 5 लाख रुपए का फैमिली का पर ईयर का बेनिफिट है हेल्थ में, गंभीर बीमारियों के लिए, 2,000 से ज्यादा गंभीर बीमारियों के लिए। लेकिन यहां होबे जरूर होबे मार्च महीने के बाद, मई महीने के बाद होगा, बीजेपी की सरकार आएगी उसके बाद होगी। तो ये बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इसके साथ साथ अगर मैं बिहार के अभी चुनाव की बात कहूं तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। अभी चाहे बिहार का चुनाव, चाहे कर्नाटक का चुनाव, चाहे दुबाका का धमाका होगा, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, और चाहे मैंने बताया मध्य प्रदेश का चुनाव होगा, सभी जगह परिवार की पार्टियों को लोगों ने नकार दिया है और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है। और यही हाल बंगाल में भी होगा, यहां भी पारिवारिक पार्टी को लोग नमस्ते कहेंगे और डेवलपमेंट के लिए मोदी जी के साथ डबल इंजन की सरकार को सपोर्ट करेंगे। आज जो घटना घटी है वह ममता जी के फ्रस्ट्रेशन की, बौखलाहट की कहानी। उनको दिख गया है कि जमीन खिसक चुकी है और जिस शब्दों का वो प्रयोग कर, जिस शब्दावली का प्रयोग करी, मुझे वो शब्द रिपीट करने में भी शर्म आती।
एक बंगाल के चीफ मिनिस्टर है, उनको शायद मालूम नहीं है कि इस पद की गरिमा क्या होती है, इसकी गरिमा को कैसे संभाल के रखा जाता है। और ये बंगाल, जैसे मैंने कहा, कैसा बंगाल बनाना चाहते हो? ममता जी का बंगाल बनाना चाहते हो या रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल बनाना चाहते हो, श्री अरविंदो का बंगाल बनाना चाहते हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बंगाल बनाना चाहते हो, सुभाष चंद्र बोस का बंगाल बनाना चाहते हो? मैं आपके साथ बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है, हम आने वाले समय में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे, वेस्ट बंगाल में भी हमारी सरकार बनेगी। ये जो हरकतें आज हुई हैं, ऐसी हजार हरकतें हो, हम हर कंस्टिट्यूंसी में जाएंगे, हर जगह अपने विचार को रखेंगे, और जो हमको समर्थन मिल रहा है, मैं अपने कार्यकर्ताओं को सल्यूट करना चाहता हूं, मैं उनको नमस्कार करना चाहता हूं। आपने देखना है किस तरीके से आज लगभग 50 मोटरसाइकिल गायब कर दी गई हमारे रैली से, उनको पीटा गया, उनको मोटरसाइकिल मिलनी नहीं है दोबारा, वी नो दैट, लेकिन हमारा एक एक कार्यकर्ता लड़ने को तैयार है, और उनको मालूम नहीं है ये भारत भूमि, ये बंगाल की भूमि, इसने क्रांतिकारियों को पैदा किया है, और यही क्रांतिकारी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में फिर से प्रजातंत्र को यहां बहाल करेंगे, और पूरी ताकत और शिद्दत के साथ चुनाव लड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ